गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक, आज हम जो है फिर जो है डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे इफ ए इज इक्वल टू बी, पहली प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, ए बी इक्वल टू एफ टी डी टी। इफ वेयर इफ ए बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए बी इक्वल टू एफ डी, the value of definite integral does not change if we change with respect to their variable. In a to b x is equal to a to b f t dt. In this, the limit integration will be same. It we means है ये तो first property होगी, second property क्या है, interchange limit, inter चेंज लिमिट, इंटरचेंज लिमिट इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। The change of the sign will be changed if the order of the limit will be changed. ये प्रॉपर्टी होता है चेंजिंग ऑफ डमी वेरिएबल्स, इसका नाम क्या है, चेंजिंग ऑफ डमी वेरिएबल। डमी जैसे डमी क्लास लेते हैं बच्चे आईआईटी वाईटी की तैयारी करने के लिए, क्लास में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, वहां जाना नहीं पड़ता, उसको डमी वही है। चेंजिंग ऑफ डमी वेरिएबल, इसका नाम क्या है, इंटरचेंज ऑफ लिमिट। थर्ड ये नाम क्या है, स्प्लिटिंग लिमिट्स। थर्ड है स्प्लिटिंग लिमिट्स, स्प्लिटिंग लिमिट मीन इफ देयर आर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज, वेयर सी इज इन ए बी के अंदर, ए बी ए बी इंटरवल के अंदर सी है, दैट इज कॉल्ड टू द स्प्लिटिंग इन ये सी जो है इन साइड भी हो सकता है, सी इज इन साइड और आउटसाइड, सी इज इन साइड और आउटसाइड, सी जो है इन साइड हो सकता है और आउटसाइड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टू द स्प्लिट एक जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स अब टू सी एन बी टू सी एन बी टू
पी एन इफेक्ट। इसका एक जनरलाइजेशन फाउंड है, और क्या है ये जैसे क्वेश्चन है, ई वैल्यू माइनस वन टू टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखो भाई ये दिए रखा है गिवन एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसे एक्स दोनों से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या आ गया एक्स माइनस एक्स वन, क्या आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब क्या आ गया ये हम मान लिया स्प्लिट कर दिया है, मान लिया ये है, ये हम माइनस वन, फिर क्या आएगा बीच में जीरो भी आ गया, फिर वन फिर टू। अच्छा अगर इसकी माइनस वन से जीरो की बीच रहेगी, माइनस वन से जीरो की बीच रहेगी वैल्यू, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पे, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, क्या आ जाएगी ये प्लस, क्या आएगी। अच्छा इसको स्प्लिट कर दिया, क्या आ गया माइनस वन टू जीरो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस जीरो टू वन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस वन टू वन जीरो टू वन वन टू टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस के एक्स। अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन टू जीरो, इसकी तो प्लस ही आएगी, तो क्या आएगी जीरो टू वन माइनस वन टू जीरो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब है एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब जीरो टू वन, जीरो टू वन पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो टू वन, जीरो टू वन पे कितनी आएगी इसकी माइनस, क्या आएगी माइनस, देखो ये प्लस ये प्लस ये माइनस आ जाएगी, जीरो टू वन वन टू टू वन टू टू, यानी वन से टू तक के इतने तो कोई शक की बात है नहीं, ये सारी क्या रहेगी वन टू की में, ये भी क्या रहेगी प्लस ही रहेगी, क्या आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स।
वन टू टू में क्या आ जाएगी, देखो ये भी प्लस का रहेगा वन से टू में, ये भी, ये वन से बड़ा है तो वह भी। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स की पावर फोर माइनस अपॉन फोर माइनस क्या आएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फोर प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस भी तो आएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू अब इसकी माइनस की वैल्यू रखूंगा यहां जाएगा वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट फोर प्लस वन की वैल्यू रखूंगा क्या जाएगा वन बाई टू माइनस वन अपॉइंट फोर ये क्या आएगा प्लस वन टू की पावर फोर अपॉन फोर माइनस टू की पावर टू अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन 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 अपॉन वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर टू की पावर फोर अपॉन टू की पावर टू टू की पावर टू माइनस टू की पावर वन माइनस वन अपॉन फोर फोर वन द फोर फोर टू द टू प्लस टू अपॉन फोर प्लस टू की पावर फोर फोर माइनस टू टू माइनस वन अपॉन फोर एलसीएम आ गया फोर आ गया क्या गया टू प्लस एट माइनस वन एट टू या टेन नाइन अपॉन फोर क्या आगे नाइन अपॉन फोर होंगे भाई तुम्हें बस आगे ये है माइनस पाई बाई टू कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, इसकी इवेल्यूट निकालनी है, इस लिमिट से निकालते हैं भाई देखो भाई माइनस पाई बाई टू जुगत नहीं है पाई बाई टू कोस एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स का रूट योगा कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स का रूट माइनस पाई बाई टू टू साइन बाई इसका कोस एक्स तो बाहर आ गया ये साइन एक्स का मोड आ जाएगा बाहर
ये माइनस पाई बाई टू कोस एक्स रूट साइन एक्स डीएक्स, इस साइन एक्स की वैल्यू, इस साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू दो, इसका मतलब क्या है, साइन एक्स की वैल्यू दो है, एक तो माइनस साइन एक्स है और एक क्या है प्लस के साइन एक्स, इस रूट साइन एक्स की वैल्यू है को रूट साइन स्क्वायर एक्स का प्लस माइनस, यानी साइन एक्स की वैल्यू दो है, इसकी वैल्यू कब होगी अगर माइनस फाइव बाई टू इज लेस देन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर अगर एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू एक्स टू जीरो होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी साइन एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू एक्स ये जीरो जीरो से ग्रेट एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन होगी और पाई बाई टू होगी। अच्छा इसको स्प्लिट में दो इसको स्प्लिट में तोड़ दिया क्या आ गया माइनस माइनस फाइव बाई टू अप टू जीरो कोस एक्स साइन एक्स माइनस फाइव बाई टू से जीरो के बीच किसकी वैल्यू है माइनस साइन एक्स की प्लस जीरो टू फाइव बाई टू जीरो टू फाइव बाई टू इसकी प्लस की वैल्यू है तो क्या है कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स। अब क्या मान लिया मैंने कोस एक्स को टी मान लिया, कोस एक्स को क्या मान लिया टी मान लिया तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब कोस एक्स इक्वल टू टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू तो टी इज इक्वल टू जीरो तो जीरो टू वन जीरो टू वन कोस एक्स साइन एक्स जीरो टू वन कोस एक्स साइन एक्स। कोस एक्स क्या है कोस एक्स क्या है टी जीरो टू वन कोस एक्स टी क्या है टी डी टी टी डी टी। अच्छा अब कोस एक्स को जब टी मान लूंगा ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस अच्छा जब जीरो की वैल्यू क्या है वन टू जीरो वन आ जाएगी जीरो आ जाएगी टी डी थी टी का स्क्वायर क्या होता है टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन टू और देखो ये जो है कोस एक्स क्या है रूट में है ये तो रूट टी आ जाएगा रूट टी तो क्या टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू जीरो टू वन देखो वन टू जीरो जाएगी अच्छा ये ऐसे कर दू देखो इसकी अगर मैं लिमिट चेंज कर लू तो क्या आ जाएगा लिमिट प्रॉपर्टी दे जीरो टू वन रूट टू डी टी प्लस जीरो टू वन रूट टू डी टी टू रूट जीरो वन टू रूट टू डी टी
ये क्या है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू टू, तो क्या गया 2/4/3 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 फॉर टी की पावर 3/2 और टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स और इसकी लिमिट्स की वैल्यू भी कितनी है फोर बाई थ्री, क्या आ जाएगा ये 4/3 आ जाएगा आंसर। देखो क्या दे रखा है, देखो भाई -π/2 या 4x कॉमन ले लिया। अब मैंने साइन एक्स रूट साइन एक्स, ये रूट एक्स साइन एक्स क्या होगा, अगर साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी माइनस साइन एक्स, अगर -π/2 दी रहा है तो की वैल्यू साइन एक्स और इसकी वैल्यू 0 टू एक्स पाई बाई टू इसके बीच है, ये इसकी वैल्यू प्लस के साइन एक्स, यानी इसे इस तरह स्प्लिट कर लिया 0 टू -π/2 0 और 0 टू π/2 -π/2 0 0 टू π/2। अब इसको क्या कर लिया एफ रूट टू डी टी कोस एक्स को टी रूट टू डी टी क्या कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये सोल्व करके क्या आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन है शो दैट ए टू बी रूट मोड एक्स अपॉन एक्स जी एक्स इक्वल टू रूट बी माइनस रूट मोड बी माइनस के रूट मोड ए। देखो भाई ए टू बी मोड एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू मोड बी माइनस मोड ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू किससे निकालते हैं, अगर मान लिया ए की वैल्यू, इफ ए इज ये इफ ए की वैल्यू 0 टू 1 के बीच लाइव करती है, किस तरह ए इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बी होगा देन क्या आ जाएगा मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 तो देन ये क्या आ जाएगा ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा ए टू बी 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स का कॉमन ले रहे बी माइनस ए इक्वल टू ए बी माइनस ए व्हेन इफ ये तो हो गया मान लिया केस फर्स्ट आ गया केस फर्स्ट अब केस सेकंड क्या आ जाएगा इफ A is such that A is greater than 0 and less than equal to 1, then we have mod x upon x, mod x is equal to minus x.
मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस एक्स, मोड एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी है एक्स। अच्छा अब जीरो से ए के बीच है दोनों पॉजिटिव रहेंगे कट जाएंगे, अब क्या है ए इज लेस देन एक्स, मोड एक्स इक्वल टू एक्स यानी मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स, या माइनस वन कर लो, या मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस को क्या आएगा। अब जीरो टू वन क्या आएगा इस इंटीग्रेशन में, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मोड एक्स अपॉन एक्स, मोड एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए टू बी इस माइनस से एक्स जाएगा माइनस वन डी एक्स, ए टू बी माइनस एक्स, ए टू बी बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या जाएगा यो ए माइनस बी क्या जाएगा यो ए माइनस बी, ए माइनस बी यही कहते हैं मोड बी माइनस मोड ए क्या जाएगा मोड बी माइनस के मोड ए। If A is less than 0, A and B के बीच, अगर A की वैल्यू किसी भी लाइन करे A और B के बीच करे मोड एक्स इक्वल टू एक्स, मोड एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ए और बी के, मोड एक्स इक्वल टू एक्स, मोड ए की वैल्यू इसके बीच करें और मोड एक्स इक्वल टू एक्स ये जीरो और एक्स के बीच के बीच लाइक दैट, I इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा फिर ये ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स इसको इसको क्या कर दिया इसको कर लिया मोड ए टू बी इनकी ए टू जीरो मोड एक्स अपॉन एक्स प्लस जीरो टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स ए टू बी को शुरू हुई है स्प्लिट कर ली स्प्लिट हो गया ए टू बी जीरो माइनस एक्स टू एक्स क्या आएगा ये माइनस अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरो टू ए जीरो टू ए क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स ए टू जीरो प्लस जीरो टू बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा ए टू जीरो माइनस डी एक्स जीरो टू बी डी एक्स, ए टू बी एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए जीरो माइनस माइनस ए ए इधर क्या आएगी ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी अच्छा ए प्लस बी को इसे भी ए से भी कर सकता हूं बी माइनस माइनस ए या मोड बी माइनस मोड ए मोड बी माइनस के मोड ए मोड बी माइनस के मोड ए
इसकी वैल्यू यहां से अगर निकालनी हो, इसकी वैल्यू यहां से जाएगी ई माइनस बी माइनस माइनस ए, ई भी और लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू माइनस बी, माइनस बी का मतलब बी माइनस मोड ए। हेंस ऑल कंडीशन देयर इज द ऑल कंडीशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज विल बी टू द मोड बी माइनस ए। देखो भाई एक भी फंक्शन था ए टू बी मोड एक्स अपॉन एफ डी एक्स इक्वल टू मोड बी, इसकी वैल्यू प्रूव करना था। अच्छा अब इसके तीन केस हो सकते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू वन और लेस देन वन, देन मोड एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई बी माइनस ए, क्या आ गई बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या आएगा बी, ये भी लिख सकते हैं बी माइनस माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी मोड एक्स इक्वल टू ए बी माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सी माइनस ए। b माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा ये मोड b माइनस मोड ए। अब जब मोड x ये जीरो टू a बनेगा, मोड x इक्वल टू x अपॉन वन इक्वल टू वन होगा, मोड x अपॉन x a टू b बन dx a टू b b माइनस a यानी मोड b माइनस मोड a, ये पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन आ गई, अगर a की वैल्यू जीरो टू वन होगी, ए की वैल्यू क्या होगी जीरो टू वन होगी तो मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अगर ए की वैल्यू जीरो टू वन होगी तो क्या अगर ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स, ए टू बी मोड एक्स अपॉन एक्स यह आ जाएगा ए टू बी तो क्या आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस डी एक्स क्या आएगा माइनस बी टू ए, क्या आएगा माइनस बी माइनस ए, क्या आएगा मोड बी माइनस के मोड ए। केस थर्ड क्या आएगा, अगर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू बी तक होगी तो मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और मोड एक्स इक्वल टू ए, अगर ए की वैल्यू जीरो और बी के बीच इस तरह होगी तो अब ए टू बी को फिर स्प्लिट कर लिया जीरो टू ए, जीरो टू ए, ए टू जीरो, ए टू जीरो, जीरो टू बी मोड एक्स डी एक्स। अब मोड एक्स की वैल्यू ए टू जीरो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ माइनस एक्स, क्या आ गई ये माइनस एक्स ये आ गई और ये प्लस एक्स, सो क्या माइनस डी एक्स अपॉन ये क्या आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या कहते हैं बी माइनस ए यानी मोड बी माइनस मोड ए। तो यानी एवरी एस बी शो दैट द इन दिस थ्री कंडीशन एवरी एवरी कंडीशन हैव द वैल्यू सेम इज मोड बी माइनस मोड ए एंड ए टू बी मोड एक्स सी एक्स इक्वल टू मोड बी माइनस मोड ए, इसको याद भी कर लेना रिजल्ट को, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, पानी पी रहे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोड एक्स, ये बड़े ब्रैकेट में है, डेनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड एक्स डेनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स less than mod x denote the greater integer less than equal to x then the find the value of mode x denote the greatest integer less than equal to x less than equal to x and find the value of 0 to 2 x square greatest integer dx x ka greatest integer dx iski value nikalni hai jaise isko break kar lo bhai kya aayega 0 to 1 x square x dx प्लस 0 to 1 1 to 0 to 2 1 1 to 2 क्या है 0 to 1 0 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब क्या करते हैं इसमें 0 to 1 है कोई कर 0 to 1 है ये इस पे मोड ये ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा इससे निकम 0 आ जाएगा 0 इट मीन 0 to 1 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू जानते हैं 0 डी एक्स प्लस 1 to 2 1 to 2 ये है अब है 1 to 2 1 to 2 तो इसमें एक कम होता है जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी कि 1 ग्रेटर इंटीजर की 1 तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 1 डीएक्स एक्स स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई क्या आ गया एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 to 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स की पावर 3/3 1 to 2 2 की पावर 3/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3 7/3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी वैल्यू आ गई 7/3 अब निकालनी है वैल्यू 0 to 10 pi tan inverse x dx 0 to 10 pi tan inverse x dx जीरो टू टेन पाई टेन इनवर्स एक्स डी एक्स वेयर वेयर
is represent the greater where mode x is the greatest integer function. अगर मान लिया फंक्शन है ये फंक्शन मान लैट y इज इक्वल टू टेन इनवर्ट x, ये फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होती है टेन इनवर्ट x की वैल्यू वन के बीच होती है या वैन कब होती है वैन जीरो टू एक्स टू वन टेन वैन वन टेन इनवर्स एक्स इज लेस देन फाइव बाई टू वैन इधर क्या टेन वन एक्स टेन फाइव तो लिमिट देखिए कि टेन के फाइव बाई टू से क्या कर लिया 10 पाई 22.5. अब इसको स्प्लिट कर दिया क्या जीरो टू 10 पाई 0 to 10 पाई टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इधर क्या कर लिया 0 to 10 पाई 0 to 10 1 प्लस 10 1 to 10 पाई इसका क्या टेन इनवर्स एक्स डी एक्स क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स डी एक्स 0 to 10 इनवर्स एक्स डी एक्स तो इसमें टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 0 to 1 में 0 to 1 में कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी और टेन 1 to 10 10 में कितनी आ जाएगी इसकी 1 ठीक है 1 के 0 का इंटीग्रेशन 0 आ गया तो 1 का क्या आ गया x 1 का क्या आ गया x ये 1 का क्या आ गया भैया x यार एक्स की क्या आ गया टेन पाई माइनस के टेन वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो भाई ये था 0 to 10 पाई टेन इनवर्स डी एक्स वेयर मोड एक्स इज रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स एक्स 0 की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाइक करेगी टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू वैन एक्स इज इक्वल टू टेन 0 0 0 to 10 1 सिमिलरली और एक्स की वैल्यू क्योंकि 1 into 10 inverse is equal to 5/2 वैन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटेस्ट ले ली 10 पाई को 10 1 into 10 पाई अच्छा अभी इसको स्प्लिट कर लिया क्या कर लिया 0 to 0 to 10 1 10 1 to 10 10 जब 0 to 1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और जब 10 1 to 10 पाई है 10 1 to 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी 1 10 1 to 5 की वैल्यू कितनी होगी 1 तो इसकी वैल्यू 1 रख दी इसकी 0 होगी तो इंटीग्रेशन 1 का x tan 5 माइनस के tan 1 इस तरह हम जो है इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं
ठीक है, 02 क्या है क्वेश्चन? 0 to π जीरो टू पाई, इसको याद कर लेना, 0 to π साइन एक्स डी एक्स वेयर इज द ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन ही। माइनस फाइव एंड 0 to π 2π कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई वेयर वेयर मोड इज द ग्रेटेस्ट वेर इज द मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई, 0 to π कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई वेयर मोड इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यानी 0 to 2π साइन एक्स डी एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई और 0 to π कोस डी एक्स, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है? पाई होती है भाई। इन दोनों की वैल्यू रिमेम्बर याद कर देना, वैल्यू क्या होती है? पाई होती है। अगर कहीं समय यूज करना है इसको हम यूज भी कर सकते हैं, जैसे एक और प्रॉपर्टी है ये, इफ ए इज ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। या अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, इन इन लिमिट का फंक्शन, इन लिमिट की जो है सम है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या अगर ए ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और जैसे ये है वैल्यू जैसे 0 to π/2 π/6 to π/3 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स रूट कोस एक्स डी एक्स, ये आ गई। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें रिप्लेस कर दूं आई को, ये मान ले आई की इक्वल है, इफ वी रिप्लेस एक्स बाई फाइव बाई टू माइनस एक्स, v रिप्लेस x x पाई इक्वल टू पाई माइनस x, क्या आएगा ये? पाई बाई सिक्स
फाइव बाई थ्री ये आई आर आई कितना जाएगा, टू आई इससे जाएगा इससे ज्यादा क्या आएगा, आई इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व, आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई ट्वेल्व आ गई। अब जैसे एक सवाल हो रहा है, देखो ये है ना साइन पाई माइनस टू एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कोस एक्स या क्या कोस एक्स या कोस एक्स डी एक्स, ये भी आई के बराबर है, ये भी आई, दोनों को क्या कर लिया, मान लिया तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है सेकेंड इक्वेशन, दोनों को जोड़ दिया आई आर आई टू आई, तो रूट साइन एक्स इक्वल कोस एक्स, रूट साइन एक्स किससे जाएगा वो डी एक्स, डी एक्स करके एक्स, इन दोनों का फिर लिमिट लगा दी पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, तो टू आई इक्वल टू पाई बाई सिक्स, आई इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व। और जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई थ्री, जीरो टू पाई बाई टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स, फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री को हो सकता है, ये करा दूंगा ट्वेल्थ में जीरो टू पाई बाई टू या आ गया। अब इधर पाई बाई टू माइनस एक्स के रिफ्लेक्स कर दूंगे, इसमें रख देंगे जीरो प्लस पाई बाई टू, ये रख देंगे लिमिट क्या आएगा फोर प्लस लॉग लेट दिस इज द आई वैल्यू लॉग फोर प्लस थ्री साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, फोर प्लस थ्री कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्या है फोर प्लस
4 plus 3 cos x 4 plus 3 cos x निकालेगा 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x 4 plus 3 अब इनको क्या कर ले ऐड कर लेंगे ये भी आई के बराबर हो गया आई आई टू आई log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू एन कट जाएगा क्या गया 0 to π/2 क्या गया log 1 की वैल्यू कहती है 0 0 टू पाई वन क्या है log 1 आई की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई क्योंकि आई की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है 0 to θ log 1 प्लस टेन थीटा 0 to θ log 1 प्लस टेन थीटा 1 plus tan theta tan x 0 to θ left 1 plus tan theta dx is equal to who that theta log sec theta theta log sec theta log 1 plus tan theta log 1 plus tan theta tan x dx इक्वल टू थीटा लॉग sec थीटा लॉग sec थीटा फॉर थीटा इक्वल टू फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 फॉर थीटा बिलोंग्स टू फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 π/2 लॉग 1 plus tan theta tan x dx इक्वल टू थीटा लॉग sec थीटा इसकी हमें
वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू किससे निकालनी है हमें? अब देखो गिवन है ये जीरो टू थीटा, गिवन क्या है जीरो टू थीटा, जीरो टू थीटा लॉग वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, ये वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है ये है। अब इसे क्या कर सकते हैं, लॉग वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दी एक्स माइनस, कोई वैल्यू चेंज की वैल्यू रखती है इसमें, जीरो टू वन डी एक्स टेन थीटा माइनस टेन एक्स ये आ गई। अब लॉग लॉग वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा टेन ए माइनस टेन बी, क्या टेन थीटा माइनस टेन एक्स, वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, इंटू डी थीटा, जीरो टू वन अब क्या आ गया ये वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, इसको ये इधर कर लूंगा, ये ऐड कर लूंगा इसमें, क्या आ गया इसको क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा, क्या आ गया वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स डी एक्स, और ये लॉग से में चला रहा है जीरो टू वन, इस टेन थीटा एक्स से टेन थीटा एक्स चले जाएगा, ये क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा जीरो टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स डी एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, ये क्या आ गया लॉग, लॉग भी चला आ रहा लॉग एम अपॉन एन, लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस लॉग वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन एक्स, लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लॉग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा ये और ये क्या है लॉग वन प्लस टेन थीटा टेन एक्स, ये क्या है आई है, ये क्या कहेंगे बराबर ये आई,
E on. You know, tag it square theta, D theta. Yes, yes. और इसका क्या आ गया ये टू स्लोप सेक थीटा डी एफ इक्वल टू टू आई टू लोग सेक थीटा डी एफ इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो टू वन है तो क्या आएगा टू थीटा लोग sec theta is equal to 2i. There are 2i, 2 theta log sec theta i. I से i जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, क्या गया? I से 2 से 2 आएगा, i is equal to theta log sec theta. तो i की वैल्यू क्या आ गई? Theta log sec theta. देखो ये क्वेश्चन का I equal to 0 to theta log 1 plus tan theta tan x dx equal to x to prove करना है. अब हमने इसको ले लिया log 1 plus tan theta तो लिख दिया theta minus x tan theta minus x का tan a minus tan b 1 plus tan a tan b k मेरी थी. फिर इसको क्या करा इसको इसको मल्टीप्लिकेशन और फिर ये प्लस ये कर दिया इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर ये प्लस कर दिया ठीक है. फिर क्या आ गया ये log 1 plus tan square theta 1 plus tan theta tan x क्या आ गया log a अपॉन m पोनोस लॉग log m माइनस log n क्या आ गया log 1 प्लस log sec square theta माइनस क्या गया i i i इक्वल टू 2i 2i टू log sec theta d theta i इक्वल टू क्या आ गया theta log sec theta d theta. एक और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या क्वेश्चन है देखेंगे हम क्वेश्चन देखते हैं हम जीरो टू ए क्या क्वेश्चन है भैया जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए जीरो टू ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू टू एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स एक तो याद है जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो टू टू एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स एक है जीरो टू टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई एक तो जीरो आ जाएगी एक क्या आएगी टू एक एक से क्या आएगी वैल्यू जीरो एक क्या आ जाएगी टू जीरो कब आ जाएगी इफ एफ टू ए माइनस एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो और इसकी टू आ जाएगी क्या टू आ जाएगी क्या टू जीरो टू ए एफ एक्स टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इफ एफ टू ए माइनस एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स सी एन यानी ये क्या है एक दो प्रॉब्लम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू टू ए
f x dx 0 to a f a minus dx, यानी 0 x प्रॉपर्टी है, 0 to f dx है, इसकी वैल्यू 0 0 होगी या होगी 2 0 to f x, यानी f to a minus f x is equal to minus f x. अगर इस 2 a minus x फंक्शन में इसकी 2 a minus f x ये फंक्शन की आ जाए चेंज हो जाए साइन माइनस की आ जाए क्या आ जाए माइनस का आ जाए तो माइनस f x. और इन अगर 2 a f minus x is equal to क्या आ जाए f x आ जाए देन जो इसका अगर ट्वाइस है लिमिट का ये कहा जाता है शुरू में जाता है 2 0 to 2 a f x dx. इसकी दो प्रॉपर्टी है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इनको याद कर लेना. अच्छा एक और प्रॉपर्टी है इसको याद करना सीधा एग्जांपल याद करना है 0 to pi by 2 क्या है 0 to pi by 2 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log sin x 0 to pi by 2 log sin x and 0 to pi by 2 log cos x 0 to pi by 2 log cos x इनकी वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाई टू लॉग हाफ माइनस पाई बाई टू लॉग हाफ एंड सेम इट इज माइनस पाई बाई टू एंड लॉग हाफ. जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग हाफ और जीरो टू पाई बाई टू लॉग कोस एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाई टू लोग लोग इसको कर भी लेना इसको आंसर इसे अच्छे से घर से भी करके लाना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लोग साइन एक्स डी एक्स ये और इसको नहीं तो फिर हम कराएंगे इसको नहीं एक प्रॉब्लम है और इसको सीधा याद भी कर लेना जीरो टू पाई बाई टू लोग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लोग हाफ और 0 टू पाई बाई टू लोग कोस एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लोग हाफ इन दोनों की वैल्यू का इन दोनों का जो है ये भी माइनस पाई बाई टू लोग हाफ है ये भी माइनस पाई बाई टू लोग हाफ है और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे देख लेना क्या आती है किस तरह निकलते हैं नहीं तो जो है वो ये फोर्स प्रॉपर्टी है जिसे पाई बाई टू माइनस एक्स करके फिर वो एड कर देंगे फिर इस तरह कर लेंगे. ठीक है आज के लिए इतना ही है थैंक्स बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है. ठीक है घर से करके बैठ घर से करना ना कोई प्रॉब्लम हो कोई भी इंक्वायरी हो तो पूछ लेना. ठीक है थैंक्स बेस्ट ऑफ लक.